Dear students, इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि रिपीटेड मेजर डिज़ाइन अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड मॉडल कौन सा है और उसका हम लेआउट भी देखेंगे कि उसका डाटा किस किस्म की स्ट्रक्चर में हमारे पास अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम मॉडल को डिस्कस करते हैं। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट विद ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एवरी ट्रीटमेंट इज टू बी यूज एग्जैक्टली वंस ऑन ईच ऑफ एन सब्जेक्ट्स। द मॉडल इज y ij is equal to mu plus tau I plus beta j plus epsilon ij, where I varies from 1 to a and j varies from 1 to n. तो यहाँ पे जो मॉडल लिखा गया है ये फॉर ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के लिए है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक दफ़ा हर सब्जेक्ट के ऊपर या हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर अप्लाई हो रही है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो n हैं। मॉडल टर्म्स को हम इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं। वाई आई जे इन द मॉडल रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स ऑफ सब्जेक्ट जे टू ट्रीटमेंट आई। तो जब सब्जेक्ट जे पे आईएथ ट्रीटमेंट अप्लाई की गई तो जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई आई जे। एंड टा आई इज द इफेक्ट ऑफ आईएथ ट्रीटमेंट, वेयर बीटा जे इज द पैरामीटर एसोसिएटेड विद जीएथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बीटा है दैट इज द इफेक्ट ऑफ जीएथ सब्जेक्ट। मॉडल की कुछ बैकग्राउंड अजम्पशंस होती हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो हमने मॉडल चूज किया है इसकी बैकग्राउंड अजम्पशंस कौन सी हैं। ट्रीटमेंट्स आर फिक्स्ड एंड इफेक्ट्स आर मेजर्ड एज डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज सिग्मा टा आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं दे आर फिक्स्ड, दे आर नॉट रैंडमली चूजन। तो हम फिक्स ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी उसकी क्वांटिटी या उसका लेवल हम प्रायर टू एक्सपेरिमेंटेशन डिसाइड करते हैं और उसको फिक्स रखते हैं। और टाई जो हैं ये इफेक्ट्स हैं जो एज ए डेविएशन फ्रॉम ओवरऑल मीन मेजर किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका जो सम जब हम लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। सब्जेक्ट्स आर a random sample from a large population and we assume that expected value of bj is equal to 0 and variance of bj is equal to sigma square with the subscript of beta. To yahan pe jo beta hai wo subjects ka effect hai, jabki subjects yahan randomly choose kiye ja rahe hain, they are not fixed. To kyunki ye random hai iski expected value aur variance ke bare mein hame decide karna padega। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके 0 है और इसका वेरियंस भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे एक लेआउट दिया गया है जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के ऊपर रिपीटेड मेजर डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में डाटा आएगा, ताकि हम बाद में उसको फिर उसी हिसाब से एनालाइज भी कर सकें। तो डाटा फॉर ए सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, यहाँ पर हमारे पास ए ट्रीटमेंट्स हैं फ्राम 1 to A। तो हमने वर्टिकली इनको लिखा है और सब्जेक्ट्स को हमने हॉरिजेंटली प्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी लिखे जा सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट्स जो थे वो 1 से लेकर n तक थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है y11 दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ट्रीटमेंट व्हेन दैट ट्रीटमेंट वॉज अप्लाइड टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद जो y12 है दैट इज अगेन फर्स्ट ट्रीटमेंट का रिस्पांस है, लेकिन ये ट्रीटमेंट जब सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई तो उस वक्त जो रिस्पांस आया दैट इज y12। सिमिलरली y1n इज द रिस्पांस व्हेन फर्स्ट ट्रीटमेंट वाज अप्लाइड टू n सब्जेक्ट। इसी तरह हम इस डाटे को अगर आगे लेके चलें तो जो ya1 है दैट इज eighth ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट। सिमिलरली y1n जो है दिस इज अगेन eighth ट्रीटमेंट इफेक्ट बट ऑन एन सब्जेक्ट। तो इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ए एन की तादाद में हैं, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई एन से हमें पता चलेगा टोटल ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं और ये ए एंथ ट्रीट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें इन वेरिएबल्स के टोटल्स भी चाहिए, जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है इसका टोटल y1 dot से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट टोटल्स लिखेंगे और जो सब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम सब्जेक्ट टोटल लिखेंगे।
तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट का टोटल है, वाई वन डॉट और वाई टू डॉट जो है दैट इज सेकंड ट्रीटमेंट टोटल, इसी तरह ये ईथ ट्रीटमेंट का टोटल है, इसी तरह इन सारे टोटल को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा वाई डबल डॉट। अगर हम दूसरी साइड से चलें तो वाई डॉट वन जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट का टोटल है, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हमने ए डिफरेंट ट्रीटमेंट सप्लाई की हैं, एक ही तादाद में ट्रीटमेंट सप्लाई की हैं, तो उनका जो टोटल आया दैट इज वाई डॉट वन। इसी तरह सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर भी ए ट्रीटमेंट सप्लाई की गई हैं, उनका टोटल वाई डॉट टू है। इसी तरह एंथ सब्जेक्ट के ऊपर भी ए ट्रीटमेंट अप्लाई की गई तो वाई डॉट एन। इस तरह जब इनको हम सम कर लेंगे तो वो भी ग्रैंड टोटल के इक्वल आएगा, इनको सम करेंगे वो भी ग्रैंड टोटल के इक्वल आएगा। तो इस तरह जो ग्रैंड टोटल है वाई डबल डॉट वो आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, रो वाइज भी, तो दोनों तरफ से सम करने से एक ही टोटल आना चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि आरएमडी या रिपीटेड मेजर डिज़ाइन के बैकग्राउंड में मॉडल कौन सा हम आमतौर पर लेते हैं और इसका डाटा जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है।